बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसटीपी के बारे में। टाइप्स ऑफ एसटीपी, एसटीपी के तीन टाइप्स है ना, सीएसटी, पीवीएसटी एंड पीवीएसटी प्लस। ये दोनों तुम लोग पढ़ के आए हो, हम लोग बात करेंगे। बाय डिफॉल्ट स्विचेस में कौन सा टाइप चल रहा होता है? पीवीएसटी प्लस। तो पीवीएसटी प्लस के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सीएसटी डिस्कस नहीं करूंगा मैं अभी, पीवीएसटी प्लस। तो बीपीडीयू के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो बीपीडीयू जनरेट होंगे वो कितने टाइप के बीपीडीयू जनरेट होते हैं? ये मेरे पास में एक रूट ब्रिज है। लेट्स सपोज इस रूट ब्रिज पे मैंने नंबर ऑफ विलेन बना रखे हैं कितने? 10। कितने नंबर ऑफ विलेन बना रखे हैं? 10 नंबर ऑफ विलेन बना रखे हैं। ये अपने ट्रंक पोर्ट से कितने नंबर ऑफ बीपीडीयूज भेजेगा? कौन कौन से? 12। देखो जो पीवीएसटी प्लस है ना, इस पे लेट्स सपोज टोटल नंबर ऑफ विलेन कितने बने हुए? 10। तो ये दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू भेजता है। एक आई ट्रिपल ई बीपीडीयू जाता है। कौन सा बीपीडीयू? आई ट्रिपल ई बीपीडीयू। और बाकी जाते हैं पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू। एक जाएगा आई ट्रिपल ई बीपीडीयू और एक जा रहा होगा पीवीएसटी, और बाकी जा रहे होंगे पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू, ठीक है। आई ट्रिपल ई बीपीडीयू क्या है? आई ट्रिपल ई बीपीडीयू आपका जा रहा होगा वीलेन वन का बीपीडीयू जाएगा विदाउट टैग। उस बीपीडीयू के साथ में कोई टैग ऐड होके नहीं जा रहा होगा, इसके साथ में कोई टैग ऐड होके नहीं जाएगा। ये कौन सा बीपीडी होगा? विलेन वन का बीपीडीयू होगा। और कौन से बीपीडीयू जा रहे होंगे? पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू। और जितने भी पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू जा रहे होंगे, कितने नंबर ऑफ पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू जा रहे होंगे? जितने नंबर ऑफ विलेन होंगे उतने नंबर ऑफ पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू जा रहे होंगे। तो एक तो जा रहा होगा विलेन वन का, विलेन वन के दो बीपीडीयू जाएंगे, एक आपका आई ट्रिपल ई बीपीडीयू विदाउट टैग और एक जा रहा होगा पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू, जिसके साथ में क्या लगेगा? विलेन वन का एक टैग लग के जाएगा। बात आ रही है समझ में? और पीवीएसटी प्लस कितने नंबर ऑफ और बीपीडीयू भेजेगा? ऐसे ही एक विलेन टू का बीपीडीयू जा रहा होगा। देखो पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू कितने जाएंगे? जितने नंबर ऑफ विलेन होंगे, हर एक बीपीडीयू के साथ में उस विलेन का टैग सेट होके जाएगा। और एक जा रहा होता है आई ट्रिपल ई बीपीडीयू विलेन वन का बीपीडीयू, उसके साथ में कभी कोई टैग ऐड होके नहीं जा रहा होता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बात करेंगे आई ट्रिपल ई बीपीडीयू के बारे में। आई ट्रिपल ई बीपीडीयू किस लिए यूज होता है? आई ट्रिपल ई बीपीडीयू किन केसेस में यूज हो रहा होता है? जो विदाउट टैग जा रहा होता है, ठीक है। इसमें एक विलेन नंबर वन का टैग लग के जाएगा ना। अरे ट्रंक पोर्ट से जब भी कोई डेटा जाता है तो टैग ऐड होके जाता है ना, तो विलेन वन का जो बीपीडीयू जाएगा इसमें, जो पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू जाएगा उसमें विलेन वन का टैग ऐड होके जाएगा। और विलेन टू का भी ऐसे ही एक बीपीडीयू जाएगा जिसमें विलेन टू का एक टैग सेट होके जाएगा। समझ में आ रही है बात? बात कर लेते हैं आई ट्रिपल ई बीपीडीयू के बारे में। आई ट्रिपल ई बीपीडीयू का क्या यूज है? हेडिंग डाल लो आई ट्रिपल ई बीपीडीयू। जाएगा ही जाएगा। पहली बात तो ये विलेन वन को आप रिमूव कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हो? विलेन वन रिमूव हो ही नहीं सकता। वो इसमें लिखो, डेफिनेशन लिखो,
रूट ब्रिज विल जनरेट, लिख लो रूट ब्रिज विल जनरेट ए बीपीडीयू फॉर व्हील एंड वन विदाउट टैग. दैट बीपीडीयू इज कॉल्ड IEEE BPDU. ठीक है, ये BPDU कौन सा है? IEEE BPDU है. और यूज क्या होता है इस BPDU का वो लिख लो. इट इज यूज्ड टू विदाउट टैग. हाँ, विद टैग नहीं, विदाउट टैग. उसके बाद में PVST प्लस BPDU के बारे में बात कर लेंगे. ठीक है, इट इज यूज टू इंटरऑपरेट विद नॉन सिस्को डिवाइसेस. जो नॉन सिस्को स्विचेस हैं, नॉन सिस्को स्विचेस लिखो, उनके साथ में इंटरऑपरेट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, और जो नॉन सिस्को डिवाइसेस होते हैं ना, उनके ऊपर पीवीएसटी प्लस नहीं चल रहा होता, उन पे चल रहा होता है सीएसटी. उस पे क्या चल रहा होता है? सीएसटी चल रहा होता है. तो उनके साथ में इंटर ऑपरेट करने के लिए यूज, उनके साथ में कनेक्टिविटी बनाने के लिए यूज होता है क्या? IEEE BPDU. वहां पे नंबर ऑफ इंस्टांसेस उतने नहीं बनते, वहां पे कितने नंबर ऑफ इंस्टांसेस बनेंगे? सिर्फ एक ही इंस्टांस बनेगा फॉर ऑल VLANs. तो अगर आपका उनकी कनेक्टिविटी बनानी है किसके साथ में? सिस्को स्विचेस के साथ में. तो वहां पे क्या चल रहा होता है? PVST प्लस. तो उनकी तो उनके साथ में कनेक्टिविटी बनेगी नहीं. समझ में आ रही है बात? तो होगा क्या, नॉर्मली क्या होता है, सुन लो, एक और चीज बता देता हूं. जो हमारा PVST प्लस BPDU जा रहे होते हैं ना, PVST प्लस बीपीडीयू, मतलब जितने नंबर ऑफ VLAN होंगे उतने नंबर ऑफ क्या जाएंगे? बीपीडीयूस. तो लेट्स सपोज एक VLAN 10 का बीपीडीयू जा रहा है, एक बीपीडीयू जा रहा है किस VLAN के लिए? VLAN 10 के लिए. एक यहां पे ना इस बीपीडीयू के साथ में एक फील्ड और ऐड होकर जाती है, PVID, पोर्ट VLAN ID. और पोर्ट VLAN ID में उस VLAN का क्या रहेगा? नंबर, VLAN नंबर 10. और जब इस ट्रंक पोर्ट पे भेजेगा ना इस BPDU को, तो इस BPDU के साथ में एक टैग नंबर भी लगा के भेजेगा. कौन सा? 10. जब आपका BPDU जनरेट होता है PVST प्लस BPDU, हर एक VLAN का जो BPDU जनरेट होता है उस BPDU में एक PVID भी, PVID इंफॉर्मेशन करके सेट होके जारी होती है. और उस PVID इंफॉर्मेशन में क्या जा रहा होता है? VLAN नंबर. और जो हमारे नॉन सिस्को डिवाइसेस जो होते हैं ना, वो PVST प्लस BPDU को नहीं समझते, वो उन BPDU को नहीं समझते जिनके अंदर PVID जारी होती है. इसको हम लोग बोलते हैं TLV फील्ड. ये PVID किस में जारी होती है? एक TLV फील्ड होती है. TLV फील्ड के अंदर क्या जारी होती है? PVID, पोर्ट VLAN ID. उस VLAN का नंबर भी सेट होके जा रहा होता है. और ट्रंक पोर्ट पे जा रहा है तो साथ में उसका टैग भी सेट होके जाएगा. और जो नॉन सिस्को डिवाइसेज है जिन पे क्या चल रहा है? CSP चल रहा है. वो TLV फील्ड को नहीं समझते, वो PVIDs को नहीं समझते, वो सिंपली उनको क्या कर देते हैं? वो उनको प्रोसेस ही नहीं करते हैं. समझ में आ रही है बात? इतनी चीज क्लियर है? और जो IEEE BPDU है, IEEE BPDU के अंदर ऐसी कोई TLV फील्ड नहीं जा रही होती, PVID वगैरह कुछ नहीं लग के जा रहा होता. और CST जो स्विचेज है हमारे, जिनके ऊपर जो हमारे नॉन सिस्को स्विचेज है, उनके ऊपर PVST प्लस तो होगा नहीं. तो वो कौन से BPDU को कंसिडर करेंगे? IEEE BPDU को, जिसमें कोई TLV फील्ड नहीं जारी होती, उसमें कोई PVID ऐड होके नहीं जारी होती है. समझ में आ रही है बात? देखो यार, यहां पे क्या हो रहा है, मेरे पास में ये दो स्विचेज हैं, ये सिस्को स्विचेज हैं, और ये दो स्विचेज जो हैं वो क्या है? नॉन सिस्को स्विचेज हैं. ये सिस्को है, ये भी हमारा सिस्को स्विच है, ये भी
ये भी नॉन सी स्क्वायर। ये सभी स्विचेस एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इनके बीच में जो लिंक है वो कौन सा है, ट्रंक लिंक है। इन सभी स्विचेस के बीच में लिंक कौन सा यूज हो रहा है, ट्रंक लिंक। मान लो ये हमारा रूट ब्रिज बना हुआ है, इसकी ब्रिज आईडी क्या है, सबसे लोअर है। यहां पे क्या चल रहा होता है, सीएसटी। यहां पे क्या चल रहा होगा, सीएसटी। और जो हमारे ये सिस्को स्विचेस है इनपे क्या चल रहा होता है, पीवीएसटी प्लस। ये स्विच क्या करेगा, दो टाइप के बीपीडीयू जनरेट करेगा, कौन कौन से, एक तो आई ट्रिपल ई बीपीडीयू और एक पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू। आई ट्रिपल ई बीपीडीयू एक ही रहेगा, विलन वन का रहेगा, जिसमें कोई पीवीआईडी नहीं लग के जाएगी, जिसमें कोई टीएलवी फील्ड लग के नहीं जाएगी। और एक जा रहा होता है पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू। पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू कितने नंबर ऑफ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ विलेंस होंगे उतने नंबर ऑफ पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू जा रहे होंगे। और हर एक पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू में एक टीएलवी फील्ड होगी, जिस विलेन का वो बीपीडीयू रहेगा टीएलवी फील्ड में, वो विलेन नंबर की इन्फॉर्मेशन जा रही होगी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पीवीआईडी, पोर्ट विलेन आईडी, ठीक है। और जब ट्रंक पोर्ट पे इसको ट्रांसमिट करेगा किस बीपीडीयू को, पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू को, तो हर एक बीपीडीयू को क्या ऐड होगा वहां पे, हर एक बीपीडीयू के साथ में टैग भी ऐड होके जाएगा। टीएलवी का फुट कौन क्या होता है, टाइप लेंथ वैल्यू। सर विलेन नंबर पीवीआईडी में रिप्रेजेंट होता है, तो टैग को चाहिए टैग, ट्रंक पोर्ट पे जो डेटा जाएगा उसका तो टैग ऐड होता ही है हमेशा नॉर्मली। बीपीडीयू में एक ही होगा, बीपीडीयू में होगा। और ये टैग किस लिए यूज हो रहा होता है वो भी पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में, वो भी क्लियर कर दूंगा। कितनी चीज क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो बीपीडीयू जाएगा ना, आई ट्रिपल ई बीपीडीयू आ रहा होगा किसके पास में, स्विच टू के पास में आएगा। और स्विच ये नॉन सिस्को स्विचेस के पास में आएगा, ये आपका सीएसटी रीजन में आएगा। जैसे ही सीएसटी जो रीजन के जो स्विचेस है ना, वो जो तुम्हारे पीवीएससी प्लस बीपीडीयूज भी जो जा रहे होंगे ना, इनको प्रोसेस नहीं करता वो, क्योंकि उनमें कौन सी फील्ड लग के जा रही होती है, पीवीआईडी जा रही होती है, टीएलवी फील्ड लग के जा रही होती है, तो उनको नहीं समझता वो सिर्फ किसको समझेगा, आई ट्रिपल ई बीपीडीयूज को समझेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांसिस उतने सारे नहीं बनते, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांसिस कितने बनेंगे, सिर्फ एक सिंगल इंस्टांस ऑफ एसटीपी चल रहा होता है। तो इस डोमेन की, इस रीजन की कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपके सिस्को डोमेन से कनेक्टिविटी बनाने के लिए कौन सा बीपीडीयू यूज हो रहा होता है तुम्हारा, आई ट्रिपल ई बीपीडीयू यूज हो रहा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। एक और चीज क्लियर कर देता हूं, विलेन वन के लिए दो बीपीडीयू जाएंगे, एक आई ट्रिपल ई बीपीडीयू और एक पीवीएससी प्लस बीपीडीयू। और एक पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू, ये हमारा एक विलेन वन का एक बीपीडीयू जनरेट हो गया। ये बीपीडीयू किसका है, विलेन वन का। और इस पीवीएसटी प्लस ने भी क्या जनरेट किया, एक विलेन वन का क्या जनरेट किया, एक बीपीडीयू जनरेट किया। और इसमें यहां पे क्या लग के जा रही होगी, पीवीआईडी। और ट्रंक पोर्ट पे जब भेजेगा तो एक टैग लगा के भेजेगा किस चीज का, विलेन वन का, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। ऐसे ही ले सपोज एक और विलेन है पीवीएसटी प्लस, एक और विलेन है कौन सा, विलेन टू। तो विलेन टू का भी एक बीपीडीयू जनरेट करेगा ये स्विच, और इस विलेन टू के बीपीडीयू में भी एक पीवीआईडी फील्ड लग के जा रही होगी, और इसमें विलेन नंबर ऐड होगा किसका, विलेन टू का। और ट्रंक पोर्ट पे जब भेजेगा तो विलेन टू का क्या करेगा, ये का टैग लगा के भेजेगा, ठीक है। ये बीपीडीयू किसने जनरेट किया, लेट्स सपोज कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे, तो स्विच ने क्या किया, ये दो नंबर ऑफ बीपीडीयू जनरेट किए, किसने, स्विच वन ने, ठीक है। कौन से पोर्ट से, ट्रंक पोर्ट से। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ कौन से बीपीडीयू की, ये
इस वाली बीपीडीओ की, पीवीएसटी प्लस बीपीडीओ की बात करूं, विलेन टू वाला जैसे ही बीपीडीओ रिसीव होगा, सबसे पहले वो टैग क्या करेगा, ओपन करेगा। सबसे पहले क्या ओपन करेगा, जैसे ट्रंक कोड पे बीपीडीओ रिसीव होगा, टैग ओपन करेगा, उसमें विलेन नंबर आ रहा होगा, कौन सा, विलेन नंबर टू, विलेन नंबर टू आया। देन उसके बाद में क्या ओपन करेगा, इस बीपीडीयू को ओपन करेगा। जब बीपीडीयू को ओपन करेगा, टीएलबी फील्ड के अंदर, पीवीआईडी के अंदर विलेन नंबर की क्या लग क्या रहा होगा, टू। तो इस बीपीडीयू को क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा, ये इस बीपीडीयू को क्या करने वाला है, प्रोसेस करने वाला है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, तुम लोग नेटिव विलेन चेंज कर देते हो ना, नेटिव विलेन जो मिसमैच होता है, वो किस मैसेज से आपको पता चलता है नेटिव विलेन मिसमैच है, सीडीपी में तो दिखाता ही है। एसटीपी क्या कर देता है, पोर्ट को इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल देता है। अगर नेटिव विलेन मिसमैच हो जाए ट्रंक पोर्ट पे, तो एसटीपी क्या करता है, एसटीपी ट्रंक पोर्ट को किस में डाल देता है, इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल देता है। ऐसा क्यों होता है वो बात बता देता हूं। देखो होगा क्या, लेट्स सपोज यहां पे नेटिव विलेन आपने क्या बना रखा है, विलेन वन, ठीक है। यहां पे नेटिव विलेन क्या है, विलेन वन, और यहां पे नेटिव विलेन क्या है, यहां पे नेटिव विलेन बना लिया, विलेन किसको, लेट्स सपोज विलेन 11 को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, जब यहां से इस पोर्ट से बीपीडीयू जाएगा किस विलेन का, विलेन वन का, ओके सुन लो, जब इस पोर्ट पे बीपीडीयू जाएगा किसका, विलेन वन का। अब इस ट्रंक पोर्ट पे प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, डॉट वन क्यू। अब डॉट वन क्यू क्या करता है, नेटिव विलेन के लिए टैगिंग परफॉर्म करेगा क्या, नहीं। अरे अगर यहां पे आईएसएल यूज हो रहा होगा तो टैगिंग परफॉर्म होगी नेटिव विलेन के लिए, बट यहां पे जब आपका पीवीएससी प्लस बीपीडी यूज आ रहा होगा, विलेन वन का टैगिंग परफॉर्म करेगा क्या, नहीं करेगा ना। अरे बात आ रही है समझ में, बाकी पीवीएससी प्लस के जितने भी बीपीडी यूज आ रहे होंगे उनके लिए क्या हो रही होगी परफॉर्म, टैगिंग परफॉर्म हो रही होगी, बट ISL के केस में विलेन वन के लिए भी क्या लगेगी टैगिंग, क्योंकि यहां पे नेटिव विलेन क्या है, विलेन वन है, और ISL क्या करता है, नेटिव विलेन के लिए भी क्या करता है, परफॉर्म टैगिंग परफॉर्म करता है। बट डॉट वन क्यों अगर आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, उस केस में टैगिंग परफॉर्म होगी विलेन वन के लिए, नहीं। तो ये क्या करेगा, अपना एक विलेन वन का क्या करेगा, एक बीपीडीयू जनरेट करेगा, और उस बीपीडीयू में पीवीआईडी टीएलबी फील्ड में क्या अटैच करके भेज रहा होगा, वन। इस पोर्ट पे कोई टैग तो लगा के भेजेगा नहीं, और जैसे ये बीपीडीयू आएगा यहां पे, बीपीडीयू रिसीव होते ही अब इसके पास में विदाउट टैग एक बीपीडीयू रिसीव हो रहा है, और जैसे ही विदाउट टैग बीपीडीयू रिसीव होगा, स्विच क्या सोचेगा, जो डेटा आ रहा है वो किससे आ रहा है, नेटिव विलेन से आ रहा है, ठीक है, नेटिव विलेन से आ रहा है। बट इस बीपीडीयू में पीवीआईडी क्या लग के आ रही है, विलेन वन, पीवीआईडी क्या लग के आ रही है, विलेन वन। आपको यहां पे एक मैसेज दे देगा, इस पोर्ट को किस में डाल देगा, रूट सिंपल आपका पीवीआईडी इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल देगा, आपको किस में डाल देगा, ये पोर्ट इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल देगा। मतलब यहां पे क्या मिसमैच हो गया, तुम्हारा नेटिव विलेन मिसमैच हो गया। तो वैसे बताता हूं आपका नेटिव विलेन मिसमैच, सीडीपी से सिंपली आपको मैसेज जनरेट करता है वो। अरे सीडीपी से एसटीपी को थोड़ा ना, सीडीपी के मैसेज से एसटीपी को थोड़ा ना पता चल जाएगा कि नेटिव विलेन मिसमैच है। एसटीपी को किससे पता चलेगा, एसटीपी को एसटीपी के मैसेज से पता चलेगा ना यहां पे कि नेटिव विलेन क्या है, मिसमैच है। और अगर नेटिव विलेन मिसमैच हो जाता है यहां पे, तो एसटीपी क्या करता है, पोर्ट को किस में डाल देता है, पोर्ट इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल देता है, उस पोर्ट से कोई डेटा सेंड रिसीव नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, कब स्विच तुम्हारा पोर्ट को नेटिव विलेन मिसमैच होने के बाद में पोर्ट इनकंसिस्टेंट स्टेट में कैसे डालता है वो पता चला, किस केस में डालेगा, स्विच वन, स्विच टू। जैसे मैंने यहां पे नेटिव विलेन बना लिया, इस बार क्या विलेन 11 को, किसको, विलेन 11 को, और इस वाले पोर्ट पे नेटिव विलेन क्या है, विलेन वन है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एक अपना पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू जनरेट किया,
पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू जनरेट करेगा ये, किसका, विलेन वन का, विलेन वन का बीपीडीयू जनरेट करेगा, तो यहां पे क्या अटैच करेगा, पीवीआईडी, और पीवीआईडी में क्या रखेगा, विलेन नंबर वन, और जब इस ट्रंक पोर्ट पे डेटा भेजेगा तो विलेन वन का क्या करेगा, टैग सेट करके भेजेगा, और जैसे ही डेटा आएगा यहां पे, अब इस बार यहां पे 11 नंबर है ना आपका नेटिव विलेन, तो विलेन वन के लिए तो अब टैगिंग परफॉर्म करेगा ना ये, अरे बात आ रही है समझ में, और जैसे ही डेटा रिसीव होगा वो टैग क्या करेगा यहां पे, रिमूव करेगा, उसको मिलेगा जो डेटा है वो किस विलेन का है, ये डेटा कैसे भेजेगा, जब ये 11 नंबर विलेन का डेटा भेजेगा, 11 नंबर बीपीडीयू, जब विलेन नंबर 11 के लिए जब बीपीडीयू भेजेगा तो यहां पे पीवीआईडी क्या सेट करेगा, 11 सेट करेगा, और जब ट्रंक पोर्ट पे भेजेगा तो 11 नंबर विलेन के लिए टैगिंग परफॉर्म करेगा क्या, ये नहीं करेगा ना, तो जैसे ही डेटा आएगा वो देखेगा यहां पे कोई टैग सेट होके तो आ नहीं रहा है, अब टैग सेट होके नहीं आ रहा है तो मतलब डेटा किस विलेन से बिलोंग कर रहा है, विलेन, अब इसने देखा मेरा यहां पे विलेन क्या है, नेटिव विलेन क्या है, विलेन वन है ना, नेटिव विलेन का कोई बीपीडीयू आ रहा है, और जैसे अब बीपीडीयू आएगा इसको जब ये प्रोसेस करेगा बीपीडीयू को, और जैसे पीवीआईडी ओपन करेगा वहां पे विलेन नंबर क्या लगा हुआ, मिसमैच हो गया, मिसमैच होते इसको पता चल जाएगा नेटिव विलेन क्या है यहां पे, मिसमैच है, और आपको यहां पे पोर्ट को किसमें डाल देगा, इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल देगा, तो दोनों केसेस हो सकते हैं, ये जब बीपीडीयू भेज रहा है और यहां पे विलेन वन है नेटिव विलेन, यहां पे 11 है तो उस केस में विलेन वन का जाएगा तब, और यहां से विलेन 11 का जाएगा तब, अगर यहां पे विलेन 11 है उस केस में, बात आ गई समझ में, या दोबारा एक्सप्लेन करूं, आ गया समझ में, बोलो, जो नॉन सिस्को डिवाइसेस में जब बीपीडीयू जाएगा कौन सा, आई ट्रिपल ई बीपीडीयू, उसमें कोई पीवीआईडी नहीं लग के जाएगी, टीएलबी फील्ड लग के नहीं जाएगी, वो उनको प्रोसेस करेगा, ठीक है, बट जो बाकी बीपीडीयूज है जिनमें क्या जा रही होगी, जो पीवीआईडी लग के जा रही होगी उनको वो प्रोसेस नहीं करने वाला, सीआईएसटी जो है वो इन बीपी उन बीपीडीयूज को नहीं समझता, पीवीएसटी प्लस बीपीडीयूज को नहीं समझेगा वो, ठीक है, बात आ गई समझ में, दोबारा बताऊं इसको क्या, यहां पे विलेन नंबर कौन सा है, नेटिव विलेन कौन सा है यहां पे, 11, और यहां पे नेटिव विलेन कौन सा है, विलेन वन, तो ये जो स्विच है वो अपना बीपीडीयू जनरेट करेगा विलेन 11 के लिए, तो उसमें क्या सेट करके भेज रहा होगा, साथ में एक अपनी पीवीआईडी लगा के भेजेगा, पीवीआईडी में क्या रहेगा, विलेन नंबर 11 रहेगा ना, और इस पोर्ट से जब इस बीपीडीयू को भेजेगा तो यहां पे विलेन नंबर 11 क्या है, यहां पे नेटिव विलेन है, तो विलेन नंबर 11 का जो बीपीडीयू है उसके लिए कोई टैगिंग परफॉर्म नहीं करेगा, ये जो बीपीडीयू आ रहा होगा वो कैसे आ रहा होगा, विदाउट टैग, विदाउट टैग बीपीडीयू आएगा, और जैसे यहां पे विदाउट टैग बीपीडीयू आ रहा है, ये देखिएगा विदाउट टैग आ रहा है मतलब ये किस विलेन से बिलोंग कर रहा है, विलेन वन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अब इस बीपीडीयू को क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा, अब बीपीडीयू को प्रोसेस करेगा तो यहां पे पहले पीवीआईडी ओपन करेगा, पीवीआईडी में उसको विलेन नंबर क्या मिलेगा, 11, और डेटा किस विलेन से आ रहा है, नेटिव विलेन से, मतलब वहां पे सामने जो नेटिव विलेन है वो क्या यूज हो रहा है, विलेन 11 यूज हो रहा है, जो कि टैग नहीं ऐड करके भेज रहा है, और यहां पे विलेन क्या है, विलेन 1, तो यहां पे नेटिव विलेन मिसमैच पता चल जाएगा ना, तो ये इस पोर्ट को किस में डाल देगा, पोर्ट इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल देगा, बात आ गई समझ में, हाँ ये एक स्पेशल मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, जो आई ट्रिपल ई बीपीडीयू है आपका वो कौन से मल्टीकास्ट होंगे, वो आई ट्रिपल ई बीपीडीयू की डेफिनेशन लिख रहे थे हम लोग, वो लिख लो कंप्लीट पहले, इसमें लिखो
IEEE BPDU is processed by PVST plus and CST. इन दोनों के थ्रू क्या होता है, ये दोनों इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और जो IEEE BPDU जा रहा होता है ना, वो अपना एक मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस लग के जा रहा होगा, क्या क्या जा रहा होता है, 0180 देन C200 देन 0000, इस मल्टीकास्ट एड्रेस पे जाता है आपका IEEE BPDU। और इस BPDU को कौन कौन प्रोसेस करता है, PVST प्लस और CST दोनों, जो नॉन सिस्को डिवाइसेज है वो भी इसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। इतनी चीज क्लियर है। हाँ, VLAN उसके लिए फिर वो टैग लगेगा, VLAN 1 का किसके लिए, IEEE BPDU नेटिव VLAN क्या वहां पे PVID नहीं लग के जाएगी उसमें, PVID नहीं लग के जाएगी, उससे वो कंसिडर करेगा ये कौन सा BPDU है तुम्हारा, IEEE BPDU है, PVID नहीं लग के जाएगी उसमें, IEEE BPDU में कभी भी। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन सा BPDU, PVST प्लस BPDU। PVST प्लस BPDU में क्या रहता है, कौन जनरेट करता है, ये किसके लिए जनरेट होगा, जनरेटेड फॉर ऑल VLAN, फॉर ऑल VLANs, सभी VLAN के लिए क्या होगा, ये BPDU जनरेट होगा, VLAN 1 के लिए भी, 2 के लिए, 3 के लिए भी, सभी VLAN के लिए, ठीक है। बात आ गई समझ में, जितने भी नंबर ऑफ VLANs होंगे उतने नंबर ऑफ क्या जा रहे होंगे, IEEE BPDU जा रहे होंगे, ठीक है। और जो ये अपना मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, मल्टीकास्ट एड्रेस जो यूज करता है वो क्या यूज करेगा, 0100 0 3 टाइम C C C C then D, जो आपके PVST प्लस BPDU जा रहे होते हैं वो इसमें जा रहे होते हैं। दिस BPDU विल कैरी PVID क्या है, VLAN इंफॉर्मेशन इन TLV फील्ड अलोंग विद BPDU, हर एक BPDU के साथ में क्या जा रही होगी, एक PVID फील्ड लग के जा रही होगी TLV फील्ड में, ठीक है। ओके, इसी में मेंशन करना, PVST प्लस VLAN 1 BPDU, जो PVST प्लस का जो VLAN 1 जो BPDU है ना, इज यूज्ड फॉर नेटिव VLAN मिसमैच, नेटिव VLAN मिसमैच बताता है आपको कौन सा, PVST प्लस का जो BPDU कौन सा है, 1 है,
अदरवाइज इट विल इग्नोर्ड. नेटिव विलेन मिसमैच के लिए पीवीएसटी प्लस का जो विलेन वन का जो बीपीडी है, पीवीएसटी प्लस का जो विलेन वन के लिए जो बीपीडी यूज आ रहा होगा वो नेटिव विलेन मिसमैच के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है. उसके अलावा जो सीएस जो पीवीएसटी प्लस स्विचेज है ना, वो पीवीएसटी प्लस का जो विलेन वन का जो बीपीडी है उसको इग्नोर करते हैं. वो किस बीपीडी को प्रोसेस करते हैं? आई ट्रिपल ई बीपीडी को ही प्रोसेस करते हैं. विलेन वन की टोपोलॉजी बनाने के लिए कौन सा बीपीडी यूज हो रहा होगा? यहां पे क्या चल रहा है? पीवीएसटी प्लस. और यहां पे भी क्या चल रहा है? पीवीएसटी प्लस. विलेन वन की एक लॉजिकल टोपोलॉजी बनेगी ना यहां पे. अरे विलेन वन की लॉजिकल टोपोलॉजी बनेगी कि ये स्विच मेरा क्या रहेगा? रूट ब्रिज. ये दोनों पोर्ट क्या रहेंगे विलेन वन के लिए? डीपी. ये वाला पोर्ट क्या रहेगा? आरपी फॉर विलेन वन. ये वाला पोर्ट क्या रहेगा? ब्लॉकिंग स्टेट में फॉर विलेन वन. तो ये लॉजिकल टोपोलॉजी बनाने के लिए पीवीएसटी प्लस का वीपीडीयू यूज नहीं होता विलेन वन के लिए. वो कौन सा यूज होगा? आई ट्रिपल ई वीपीडीयू. पीवीएसटी प्लस का जो विलेन वन का जो वीपीडीयू है वो सिर्फ और सिर्फ विलेन मिसमैच के लिए यूज हो रहा होता है. समझ में आ रही है बात? अरे तभी तो यहां पे इनके पास में जो सीएसटी का जो बीपीडीयू आएगा, तो सीएसटी का बीपीडीयू आ रहा वो इनके लिए क्या होगा? आई ट्रिपल ई बीपीडीयू होगा ना, उनको प्रोसेस कर लेगा ये. समझ में आ रही है बात? तो यहां पे एक तो जा रहा होगा पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू फॉर विलेन वन, और एक जा रहा होगा आई ट्रिपल ई बीपीडीयू फॉर विलेन वन. ये जैसे बीपीडीयू आ रहा होगा इस स्विच के पास में, स्विच टू क्या करेगा? स्विच टू जो पीवीएसटी प्लस बीपीडी आ रहा है विलेन वन के लिए, उसको विलेन वो नेटिव विलेन मिसमैच के लिए यूज कर रहा होता है सिर्फ. अगर नेटिव विलेन मिसमैच नहीं है तो उस बीपीडी को सिंपली क्या करेगा? इग्नोर करेगा और आगे क्या कर देगा? उसको फॉरवर्ड कर देगा. बट जो आई ट्रिपल ई बीपीडी आ रहा है विलेन वन का, उसको वो क्या करने वाला है? प्रोसेस करने वाला है अपनी टोपोलॉजी बनाने के लिए कि विलेन वन के लिए आरपी पोर्ट कौन सा रहेगा, ब्लॉकिंग पोर्ट कौन सा रहेगा. समझ में आ रही है बात? क्लियर है इतनी चीज? इसको वो क्या करेगा? इग्नोर करेगा और आगे क्या कर देगा? उसको फॉरवर्ड कर देगा. और विलेन वन के लिए लॉजिकल टोपोलॉजी बनाने के लिए आरपी पोर्ट कौन सा है, डीपी पोर्ट कौन सा है, कौन सा यूज होगा, मतलब प्रोसेस कौन सा हो रहा होगा? बीपीडीयू, आई ट्रिपल ई बीपीडीयू फॉर विलेन वन. बाकी विलेन के लिए, विलेन टू के लिए, विलेन थ्री के लिए, विलेन फोर के लिए कौन सा बीपीडीयू यूज हो रहा होगा? पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू यूज हो रहा होगा अपनी टोपोलॉजी डिजाइन करने के लिए. इतनी चीज क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. पीवीएसटी तो यूज ही नहीं होता. पीवीएसटी प्लस चल रहा होता और सीएसटी चल रहा होता किस पे? सीएसटी चल रहा होगा नॉन सिस्को स्विचेस पे. तो अब देखो ना, जो इसका आई ट्रिपल ई बीपीडीयू है वो यहाँ पे मेरा कोई नॉन सिस्को डिवाइस है उसके साथ में, उसको प्रोसेस कर लेगा ना ये. ये मेरा नॉन सिस्को डिवाइस है. अब इन दोनों के बीच में ये दो लिंक है. अब इसके पास में क्या आ रहा होगा? एक विलेन वन का वो पीवीएसटी प्लस बीपीडीयू आएगा, उसको तो वो क्या करेगा? इग्नोर करेगा. क्योंकि उसमें कौन सी फील्ड लग के आ रही होगी? टीएलवी फील्ड लग के आ रही होगी, पीवीआईडी लग के आ रही होगी, वो इसको नहीं समझता, उसको प्रोसेस नहीं करता, ठीक है. बट इसके लिए एक और बीपीडीयू आ रहा होगा, कौन सा? आई ट्रिपल ई बीपीडीयू है, उसको प्रोसेस करेगा. उसके बेसिस पे ये इस वाले पोर्ट को क्या बना लेगा? आरपी. और इस वाले पोर्ट को इसने क्या बना दिया? ब्लॉक कर लिया. और ये दोनों पोर्ट क्या हो गए इसके? डीपी. ये दोनों पोर्ट क्या हो गए? डीपी, डीपी, आरपी. और ये क्या हो गया? ब्लॉक. ठीक है, ऐसे ही आगे इसको रिले कर देगा. जब ये आगे इसको रिले करेगा, ये भी मेरा नॉन सिस्को डिवाइस है, यहां पे भी क्या चल रहा होगा? सीएसटी. और यहां पे इस स्विच के पास में जो बाकी बीपीडीयूज आ रहे होंगे उसको क्या करेगा? ये इग्नोर. और आगे सिंपली क्या कर देगा? उसको रिले. और ये भी उसको क्या करेगा? इग्नोर, जो पीवीएसटी प्लस बीपीडीयूज आ रहे होंगे. और इसके पास में जो आई ट्रिपल ई बीपीडीयू आएगा, उसके बेसिस पे इस वाले पोर्ट को क्या कर देगा? आरपी बना लेगा. और इस वाले पोर्ट को क्या कर देगा? वो
इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन सेम वही इलेक्शन क्राइटेरिया सेम है भाई, इनकी ब्रीज आईडी क्या मान लो हायर है किससे, इससे, इसे क्या है हायर है ना, तो ये स्विच क्या हो जाएंगे तुम्हारे नॉन रूट ब्रीज, और ये वाले पोर्ट क्या बन जाएंगे इसके दोनों डीपी, एक पोर्ट क्या रहेगा यहाँ पे आरपी, ये वाला पोर्ट आरपी, और ये मेरा क्या है रूट ब्रिज, ये वाला पोर्ट आरपी बन चुका है फॉर ऑल वीलैन, ये वाला पोर्ट आरपी बन चुका है फॉर ऑल वीलैन, ये वाला पोर्ट आरपी फॉर ऑल वीलैन, ये वाला पोर्ट ब्लॉक फॉर ऑल वीलैन, क्योंकि यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे सीएसटी चल रहा है, एक ही प्रोसेस चल रही है, और ये पोर्ट आरपी कौन सा बनेगा, डीपी कौन सा बनेगा, जो आई ट्रिपल ई बीपीडीयू आ रहे हैं उनसे क्या कर लेगा ये डिसाइड कर लेगा, और यहाँ पे जो पीबीएसटी प्लस बीपीडीयू आ रहे होंगे मेरे इस सीएसटी डोमेन में उनको क्या कर रहे होंगे ये इग्नोर। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज। अब ऐसा भी तो हो सकता है वीलैन वन के लिए, चलो मेरे पास में एक वीलैन टू है, वीलैन टू के लिए मैंने रूट ब्रिज किसको बना लिया, स्विच वन को रूट ब्रिज बना लिया, ठीक है, और विलेन वन के लिए मतलब यहां पे सीएसटी के लिए रूट ब्रिज कौन है, इसकी ब्रिज आईडी क्या है सबसे लोअर है, इसकी ब्रिज आईडी क्या है सबसे लोअर है, तो सीएसटी ये अपना आई ट्रिपल ई बीपीडीयू भेजेगा, तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा डीपी, सुपीरियर बीपीडीयू होगा ना इसका, इसको यहां पे आई ट्रिपल ई बीपीडीयू इसको भी रिसीव होगा, आई ट्रिपल ई का बीपीडीयू इससे भी रिसीव होगा, रूट ब्रिज आईडी लोअर किसमें रहेगी इस वाले में ना, तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा आरपी, ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा ब्लॉक, ये दोनों पोर्ट डीपी, ये दोनों पोर्ट ये डीपी, और ये वाला पोर्ट आरपी, ये वाला पोर्ट ब्लॉक, ये वाला पोर्ट डीपी, ये वाला पोर्ट डीपी, ये वाला पोर्ट आरपी, ये वाला पोर्ट ब्लॉक फॉर वीलैन वन। अरे फॉर वीलैन वन यही होगा ना अभी, अरे ये आई ट्रिपल ई बीपीडीयू जो आ रहा है उसको प्रोसेस कर लेगा, और वीलैन वन के लिए, विलर वन के लिए जो भी पोर्ट इलेक्शन हो रही है वो कौन से वाले बीपीडीयू से हो रही है, आई ट्रिपल ई बीपीडीयू से, पीवीएससी प्लस बीपीडीयू से विलर वन के लिए कोई इलेक्शन नहीं हो रही पोर्ट्स की, विलर वन के लिए पीवीएससी प्लस बीपीडीयू जा रहा है बट उसको वो प्रोसेस नहीं करता, आगे भेजता, वो नेटिव विलर मिसमैच के लिए यूज होता है, वही तो मैंने बताया था पीवीएससी प्लस बीपीडीयू। अरे दो टोपोलॉजी बनाओ, अभी दो टोपोलॉजी बनाता हूं सेम इसी में, स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री एंड स्विच फोर, वीलैन वन के लिए और वीलैन टू के लिए दो टोपोलॉजी बना रहा हूं मैं। ये मेरे पास में सिस्को स्विच है, इस पे क्या चल रहा होगा पीवीएसटी प्लस, यहां पे भी क्या चल रहा होगा पीवीएसटी प्लस, यहां पे क्या चल रहा होगा नॉन सिस्को है, ये दोनों सीएसटी चल रहा होगा, सारे पोर्ट ट्रंक पोर्ट है, फिजिकली एक ही है, लॉजिकली दो टोपोलॉजीज बनेंगी, ठीक है, ये बन रही है किसके लिए विलेन वन के लिए, और ये बन रही है किसके लिए विलेन टू के लिए, विलेन वन के लिए ब्रिज आईडी लोअर किसकी है, इसकी है, विलेन वन के लिए ब्रिज आईडी लोअर किसकी है, इस वाले स्विच पे है, तो इस वाले स्विच का बीपीडीयू क्या रहेगा सुपीरियर ना, तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा डीपी या बीपीडीयू यहां पे आएगा, ये वाला पोर्ट सुपीरियर यहां पे रिसीव होगा, क्या बन जाएगा आरपी, कौन सा बीपीडीयू आ रहा होगा आई ट्रिपल ई बीपीडीयू है ना, और ये इस बीपीडीयू को आगे क्या करेगा रिले, तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा डीपी, और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा आरपी फॉर वीलैन वन, और ये वाला पोर्ट डीपी, और ये वाला पोर्ट आरपी फॉर वीलैन वन, क्योंकि ये स्विचेस क्या कर रहे हैं पीवीएसटी प्लस स्विचेस क्या कर रहे हैं, किस बीपीडीयू को प्रोसेस कर रहे हैं, पोर्ट्स की इलेक्शन किसके अकॉर्डिंग हो रही है आई ट्रिपल ई बीपीडीयू के अकॉर्डिंग। विलेन टू के लिए मैंने इस स्विच को क्या बना लिया रूट ब्रिज, इस पे ब्रिज आईडी क्या है सबसे लोअर, तो डीपी आरपी डीपी, और ये वाला पोर्ट क्या होगा आरपी, नहीं ये वाला पोर्ट क्या होगा तुम्हारा, ये वाला पोर्ट सिर्फ किसके लिए होगा, अब इस पे तो वो एक ही प्रोसेस चल रही होगी तुम्हारी, इस पे एक ही प्रोसेस चल रही होगी, कौन सी आई ट्रिपल ई मतलब सीएसटी चल रहा होगा यहाँ पे, बीपीडीयू की एक ही प्रोसेस चलेगी, यही वाला पोर्ट क्या रहेगा फॉर ऑल विलेन वही रहेगा, ठीक है। एक काम करेंगे,
करंट स्टेट।